गोविंद नगर में जिला कलेक्टर और पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव ने गोविंद गौशाला का किया लोकार्पण। बनखेड़ी गोविंद नगर स्थित न्यास परिसर में आज बुधवार को गौ सेवा हेतु गोविंद गौशाला का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात ओंकार सिंह राजपूत द्वारा न्यास के समस्त गतिविधियों को अतिथि एवं गौ सेवकों के समक्ष प्रस्तुत की गई। साथ ही अतिथियों द्वारा 3 गौ सेवकों का सम्मान भी मंच के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन कुमार वमार, जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कार्यक्रम में न्यास के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यास लगातार सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसमें प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम सतत जारी है। एक गौशाला न्यास द्वारा अच्छे से चलाया जा रहा है। आज एक और नया गौशाला का उद्घाटन किया गया है। इसमें आने वाले समय में किसान बंधु एवं आसपास के जन समूह को गौ सेवा हेतु प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाए जा रहे प्राकृतिक खेती जागरूकता पर वार्षिक कैलेंडर का विमोचन अतिथियों के कार्यक्रमों से किया गया। साथ ही पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन कुमार ने कहा कि सेवा कार्य पूर्ण का कार्य है। न्यास से सेवा के लिए प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। अपने आसपास जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान न्यास के पदाधिकारी सहित 135 गौ सेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए।